अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त मुगीस। अच्छा, तो गीस का मेल जो है यहाँ पे खड़ा हुआ है और फीमेल जो है वो अंडा देने बैठी है, वो मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ। और ये रही हमारी मस्कवी, ये अब क्रॉस हो रही हैं, देन जो है इंशाल्लाह जल्दी ही ब्रीड पर आ जाएंगी। देन फिर मैं इनका इनकी प्रोग्रेस वगैरह फिर आपको दिखाऊंगा। तो वहाँ जाते हैं, देन जो है फिर आपको करते हैं। ये देखें, ये काफ़ी गुस्से वाला है और जो है हर वक्त काटने के मूड में होता है। तो उधर जाके मैं आपको दिखाता हूँ, उसने आज तीसरा अंडा देना है और पहले जो है वो दो अंडे दे चुकी है। और ये वाली जगह जो मैंने आपको दिखाई थी, एंड ये रही हमारी गीस, ठीक है। तो ये माशाल्लाह से दो अंडे दे चुकी है और आज जो है तीसरा अंडा देने के लिए बैठी हुई है, ठीक है। तो जो है पहले इसने, मैंने आपको ये देखें, इसको पता चल गया कि वो यहाँ पे है, तो पीछे पीछे जो है यहाँ पे आ गया। ये काफ़ी गुस्सा करता है और काटता भी है, और जब नए लोग आते हैं तो उनकी तो फिर शामत ही आती है। तो ये रही फीमेल। तो ये जो है इसने, मैंने पहले एक वीडियो अपलोड की थी जब इसने फर्स्ट एग दिया था, तो उसको फर्स्ट एग इसने जो है दिया था एक वीक पहले। फिर पूरा वीक मैं वेट करता रहा कि ये दोबारा नेक्स्ट अंडा देगी, नेक्स्ट देगी, नेक्स्ट देगी, लेकिन जो है इसने दूसरा अंडा जो है कोई नहीं दिया। और बीच में एक वीक किसी तरह गुजर गया, फिर इसने जो है एक वीक के बाद जो है दूसरा अंडा दिया। और दूसरा अंडा देने के बाद जो है अब जो है इसका कल का गैप था और आज जो है ये तीसरा अंडा देने के लिए बैठी हुई है। और देखें फिर जो है ये कब देती है, क्या करती है। तो उस दिन दूसरा अंडा जब इसने दिया तो रात शाम को इसने रोटी भी नहीं खाई, और मगरब के टाइम जो है ये आके बैठ गई इधर, और फिर रात को कहीं इसने दिया था। देन नेक्स्ट डे जो है मुझे फिर सुबह जो है दूसरा अंडा इसका मिला, तो ये रात को भी यहाँ भी अंडों पर बैठी रही। अच्छा, ये चीज़ होगी। दूसरे देखें इसमिया को, तो ये जो है छुप छुप के यहाँ पर देख रहे हैं और जो है यहाँ से जा नहीं रहा। हाँ 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 तो अच्छा, तो ये चीज़ होगी। इसको जो है मैं दिखाता हूँ आपको जो नेस्ट मैंने बनाया था, एंड देन ये देखें इसका एक अंडा और ये इसका दूसरा अंडा। तो ये जो है इसके अंडे हैं, देखना अभी जो है सेटिंग करना शुरू हो जाएगी। ये गया इसका पहला अंडा, ये गया इसका दूसरा अंडा, दोनों अंडे चले गए नीचे। तो ये चीज़ है। तो कुछ लोग जो है मुझे कह रहे थे कि आप जो है इस दफ़ा जो है गीस के बच्चे निकलवाएं और इसके अपने अंडे ही रखें, मस्कवी के अंडे इसके नीचे ना रखें। तो देखता हूँ कि जो है क्या होता है। मस्कवी के अंडे जब तक ये कुड़ूक हुई तब तक मस्कवी के अंडे आ गए, तब तो मस्कवी के ही बच्चे निकलवाऊंगा। लेकिन अगर तब तक मस्कवी ने अंडे नहीं दिए और ये कुड़ूक होगी पहले, देन फिर इसके अंडे अपने ही रख के इससे बच्चे निकलवाएंगे। और इस दफ़ा देखते हैं कि इसके अंडे फर्टाइल होते हैं कि नहीं। तो एक चीज़ ये होती है कि कुछ लोग कहते हैं कि इसमें पूल नहीं होता, पानी नहीं होता, तो जो है ये क्रॉस होते हैं, तो इनके जो है अंडे फर्टाइल नहीं होते। तो मैं ये कहता हूँ कि जो है ये चीज़ मैटर नहीं करती कि पानी है या नहीं है, तो वो उनके अंडे फर्टाइल होंगे या नहीं। तो इसमें मेल फीमेल अगर प्रॉपर क्रॉस हो रहे हैं देन जो है अंडे फर्टाइल होंगे, इसमें पानी का कोई इशू नहीं है। लेकिन काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं जो वो ये कह रहे होते हैं कि अगर पानी नहीं होगा पूल में, ये क्रॉस नहीं करेंगे, तो इनके अंडे जो है फर्टाइल नहीं होंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता। हाँ, ये अब कुछ लोग ये भी कहेंगे मेरी वीडियो ये देख करके, जो है आपके पास पानी नहीं है तो ये अंडे आपने जो है इसको बिठाया तो इसके अंडे जो है फर्टाइल नहीं हुए। तो एक दाद बार ऐसे हो सकता है, दूसरी बात तो मैंने बच्चे निकलवा ही नहीं कि ये फर्टाइल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। लेकिन इससे पहले जो मेरे पास एक पेयर था, तब भी मेरे पास यही रूटीन थी और मेरे पास जो है पूल नहीं था, यही जो नॉर्मल पूल होता है जैसे ये है, तो वही वाला था। तो वो जो है पूल में क्रॉस नहीं होते थे, वो भी बाहर ही जो है ज़मीन के ऊपर क्रॉस होते थे। और उसमें से जो है मेरे पास जो मैंने अंडे रखे थे उसमें से मेरे पास तीन बच्चे निकले थे, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं होती कि जो है पूल में क्रॉस होंगे तभी ही अंडे फर्टाइल होंगे। मे भी पूल में ही आसानी से क्रॉस हो लेते हों, जो है उस तरह जो है वो ज़्यादा फर्टिलिटी आती हो। लेकिन अगर पूल में क्रॉस नहीं भी होते, वैसे भी होते हैं, तो जो है ब्रीड करते हैं। तो मेरे साथ पड़ोस में जो है मैंने तो फिर ये थोड़ा पूल 5 फुट का और इस तरह 2.5 फुट का इस तरह खुला कुछ बनाया हुआ है, देन ये उसमें घुस जाते हैं और नहाते भी हैं, जो भी इस भी करते हैं। अभी उसमें पानी नहीं है, लेकिन उससे पहले जब इन्होंने फर्स्ट टाइम अंडे दिए थे तब पानी उससे भरा होता था, वो पानी में घुसते भी थे, नहाते भी थे, लेकिन तब भी इनके अंडे फर्टाइल नहीं हुए, ठीक है। तो वो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि साथ यहाँ पड़ोसी, उन्होंने भी गीज़ का एक पेयर रखा हुआ है, उन्होंने
एक छोटी सी कढ़ाई रखी हुई है, बिल्कुल छोटी सी, ठीक है, मतलब कह लें कि जिस जहाँ पे ये बैठी हुई है ना, बस इससे भी छोटी होगी, ठीक है। तो उसके बीच में जो है उन वो पानी डालते हैं, और उसमें ही वो जो बाहर खड़े होकर नहाती है, वो भी ऐसे बाहर ज़मीन में क्रॉस होते हैं, और उन्होंने जो है बच्चे निकलवाए अंडे, एक दफ़ा जो है अंडे उसने दिए तो उससे बच्चे निकलवाएं, तब उसके बच्चे निकले, दूसरी दफ़ा फिर अंडे रखें, फिर उसने जो है बच्चे निकालें, तो उनके पास पूल नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि पूल नहीं है लेकिन फिर भी क्रॉस हो रहे हैं और फिर भी बच्चे आ रहे हैं, तो इसमें पूल का ताल्लुक नहीं है कि जो है पूल होगा तो ही बच्चे निकलेंगे, पूल नहीं है तो फिर जो है फर्टाइल नहीं होंगे अंडे इनके, तो इस चीज़ का कोई चक्कर नहीं है ऐसा। तो ये काफ़ी मिसालें होती हैं, बंदा ये जब खुद रखता है देखता है तभी उसको पता चलता है, हाँ ऐसे ही कह दो कि जो है पूल नहीं है तो इस वजह से फर्टाइल नहीं हो रही, ऐसा और ऐसा, और हाँ किसी के नहीं होते होंगे या किसी वजह से नहीं होंगे, कोई और वजह होगी, तो मेन मसला जो है वो पूल नहीं है, उसके अलावा जो है कोई और इशू हो सकता है जिसकी वजह से जो है इनके अंडे फर्टाइल नहीं होते, तो ये चीज़ होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि जिनको इस चीज़ का प्रॉब्लम था उनको जो है क्लियर हो गया होगा कि पूल इशू नहीं है, कोई और वजह हो सकती है, ठीक है। तो गीज़ के बच्चे जो है 30 दिन में निकलते हैं, और जो है अब जब इनका एक ये मस्करी का तो ये होता है कि आपने जो है नेस्ट के बीच में से जो है अंडे उठाते रहे तो वो कुड़ुक नहीं बैठेगी, ऐसे ही घूमती रहेगी, और अगर कुड़ुक हो भी रही होगी तो बैठेगी नहीं, एक मतलब एक आध हफ्ता ऐसे ही वो चूँ चूँ वाली आवाज़ निकालेगी, देन उसकी कुड़ुक टूट जाएगी, नेक्स्ट फिर अंडे स्टार्ट कर देगी। लेकिन गीज़ में ऐसा नहीं होता, गीज़ ऐसे करती है कि गीज़ जो है जहाँ पर अंडे देती है, आप अगर नेस्ट में से अंडे उठाते भी रहोगे तो भी जो है क्या नाम है गीज़ अगर उठा भी लोगे तो मुर्गियों की तरह जो है ये कुड़ुक बैठ जाएगी पक्का, फिर आप इसके नीचे अंडे रख दो और वो होता रहेगा, ठीक है, ये ऊपर है बैठ जाएगी, हैचिंग करेगी जो भी होगा। लेकिन मस्कवी में ऐसा नहीं होता, मस्कवी के अंडे अगर नेस्ट में पड़े होंगे, मस्कवी होगी, गिनीफॉल हो गए, मोर हो गए, तीतर हो गए, तो इन सब के जो है अंडे नेस्ट में पड़े रहेंगे तब ही वो अंडों के ऊपर बैठेंगे, वरना जो है वो हैचिंग के लिए नहीं बैठेंगे, ठीक है। लेकिन गीज़ जो है मुर्गियों की तरह अगर नेस्ट में अंडे नहीं भी हैं तो भी उसके ऊपर बैठ जाएगी और अंडों को मतलब हैच करेगी और बच्चे निकालेगी और सब कुछ होगा, ठीक है। तो एक तो ये चीज़, ये देखिए अभी जो है सेटिंग वगैरह कर रही है इसने, दूसरा तीसरा अंडा देना है आज, और ये देखें इस तरह से कुछ लगी होती है ये करने पे, तो अच्छा ये चीज़ होगी एक। और अभी जो नेस्ट बनाया था नीचे रेत है, तो ये मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि जब ये अंडों के ऊपर बैठती है तो अंडों के ऊपर बैठ के जो है इस तरह मिट्टी को या रेत को या जिस चीज़ को भी पीछे करती है, देन ऊपर इसका मतलब जिसमें जो है चेस्ट जो अंडों के ऊपर रगड़ी जाती है, तो अगर नीचे फर्स्ट होकर जब ऊपर रगड़ेगी तो अंडे नीचे रगड़ खाएंगे जिसकी वजह से ख़राब हो जाएंगे, तो इसलिए मिट्टी या रेत डालना फिर उसके ऊपर भूसा डालना ये ज़रूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा, वो पानी वाला इशू भी, पूल वाला भी और बाकी भी। तो नेक्स्ट अगर कोई कमेंट वगैरह हो आपके तो आप कमेंट कर देना इसके बारे में, गीज़ के बारे में, तो फिर जो है इंशाल्लाह मैं उस पर जो है फिर और कोई वीडियो बना दूंगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इंसान को समझ तब आती हैं जब वो रखता है, ख़ुद ब्रीड करवाता है, तब उसको समझ आता है कि क्या इशू आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, कैसे करना चाहिए। तो वैसे आप किसी की वीडियो देख लोगे या कुछ होगा, मेरी ये वीडियो देख लोगे, मैं बता रहा हूँ तो आप कहोगे हाँ ठीक है ठीक है, लेकिन जब तक आप खुद रखोगे नहीं तो समझ नहीं आएगा। तो जिसको शौक है इन चीज़ों का तो वो पहले ख़ुद रखें, उस पर एक्सपेरिमेंट करें, मतलब रखें, आपको समझ आएगा, तो आपको हर चीज़ समझ आती जाती है A to Z कि क्या करना है और कैसे करना है, क्या चीज़ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। तो मुझे दें इजाज़त, अपना रखें बहुत सारा ख्याल, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।